गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एक इवेंट लिसनर को आप लोग ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे और किस तरह से एक इवेंट लिसनर को रिमूव किया जा सकता है किसी भी एक एलिमेंट से। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इन मेथड्स को बहुत क्लोजली समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर कब काम करता है, क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक रैपल बना रखी है और इसका नाम मैं रखूँगा ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और मैं इस रैपल को प्राइवेट करके क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और ऐड इवेंट लिसनर इज यूज्ड टू असाइन मल्टीपल हैंडलर्स टू एन इवेंट। अब ये बात समझ नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। नहीं होगा क्या, मान लो आप लोग चाहते हो कि अगर क्लिक किया जाए तो एक काम हो, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, मल्टीपल हैंडलर्स टू एन इवेंट एक काम हो और उसी के साथ साथ एक दूसरा काम हो। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग चाहते हो कि एक इवेंट लिसनर आप लोगों ने लगा दिया, मान लो कि आपने टास्क ए करने के लिए इवेंट लिसनर लगाया, आप टास्क ए नाम का फंक्शन रन कर रहे हो और आप लोग टास्क बी नाम का भी फंक्शन रन कर रहे हो। ये काम आप अचीव कर सकते थे टास्क ए और टास्क बी ये दोनों को रन करके एक इवेंट लिसनर के अंदर, लेकिन आपने अलग अलग लगाए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि टास्क ए जो है, आपने बाद में अपना मूड बना लिया या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई आपके प्रोग्राम में कि आप चाहते हो कि टास्क ए जो है वो ना हो, अब वो रन ना करे क्लिक पर या किसी भी इवेंट पर, लेकिन टास्क बी रन करे। आप लोग ऐसा सिर्फ अलग अलग इवेंट लिसनर्स मल्टीपल हैंडलर्स किसी भी एक इवेंट पर लगा कर सकते हो। मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है। script.js को खोल दिया मैंने यहाँ पर और बहुत ही सिंपल सा एक यहाँ पर मैं div बनाऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लिक मी, ठीक है, और दो फंक्शंस बनाऊंगा। ऑब्वियसली वो मैं जावास्क्रिप्ट पे बनाऊंगा और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वैसे आईडी डालने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने डाल दिया आईडी। मैं वैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी कर सकता था लेकिन कोई बात नहीं यार, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। देखो यार ये कितना बढ़िया है यार, देख रहे हो, रैपलेट यार मज़ा आ गया सच्ची में, रैपलेट सच्ची में मज़ा आ गया यार, ठीक है। पता नहीं क्या क्या करवा रहा है ये मेरे से, लेकिन अभी के लिए जो है हम इसको सिर्फ इतना रहने देते हैं और हम बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे, अलर्ट कर देंगे हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, वाओ दिस साउंड्स इवन कूल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और मान लो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 इससे कहलवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड 1 कहलवा रहा हूँ। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली मैं ये काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं और मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो आप लोग देखोगे एक तो हेलो वर्ल्ड 1 आया, ओके करूंगा हेलो वर्ल्ड 2 भी आएगा, दोनों चले, ठीक है। लेकिन अब फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूं कि मैं हेलो वर्ल्ड वन ना कहलवाऊँ, यानी कि क्लिक पर हेलो वर्ल्ड, मैंने ये चीज़ लिख तो दी लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या हो ना, सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, मान लो किसी ने 0 लिख दिया, अगर किसी का फेवरेट नंबर 0 है तब मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 1 नहीं दिखाऊंगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ किसी का फेवरेट नंबर अगर 2 है तो उसको 2 ही दिखाएंगे, सिर्फ 1 नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा ये करने के बाद, और लेट अस अज्यूम कि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हम पहले इवेंट लिसनर्स लगाते हैं उसके बाद ये काम करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो ऐसा है कि अगर a इक्वल्स टू 2 है तब यार क्या करो ना, इस इवेंट लिसनर को हटा दो। अब हम क्या करेंगे, इस इवेंट लिसनर को रिमूव कर देंगे। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि btn.removeEventListener करना पड़ेगा। आदत पड़ गई है मुझे रैपलेट की आई मोड की, ये आदत अच्छी नहीं है दोस्तों, आप मत डालना, ठीक है, मत डालना, वरना क्या होगा कि नहीं मिलेगा जब आपको तो आप लोग कहोगे ये क्या चल रहा है। देखो मैंने यहाँ पर रिमूव इवेंट लिसनर कर दिया, मैंने कहा भाई इवेंट लिसनर हटाओ ये वाला, लेकिन ये काम नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा ये मैं आप लोग को बताऊँगा, बट जो चीज़ काम करेगी पहले वो बता देता हूँ। देखो अगर मैं आपको चला कर दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये क्या होगा, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, मान लो फेवरेट नंबर मैंने 2 ही डाल दिया, ठीक है, मैं रिलोड करके इसका फेवरेट नंबर 2 ही डाल देता हूँ, लो जी 2 ही डाल दिया मैंने, मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू ऐसे कर देता हूँ कि ये स्ट्रिंग लेता है, तब भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लो 2 करूँ,
और ओके करूं, और अब मैं क्लिक करूं तो हेलो वर्ड वन और टू मुझे दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप कहोगे यार रिमूव इवेंट लिसनर तो इवेंट को हटाता है ना, तो ये क्या सर्कस है यार। ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक अलग फंक्शन ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग फंक्शन ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो रेफरेंस है, फंक्शन का रेफरेंस है, वो सेम होना चाहिए रिमूव इवेंट लिसनर के काम करने के लिए। तो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा कर दूं कि भाई लेट ए इज इक्वल टू, या फिर लेट एक्स इज इक्वल टू, और इस पूरे फंक्शन को मैं एक्स का नाम दे दूं, इस पूरे फंक्शन को मैं एक्स का नाम दूं और इसको वाई का नाम दूं, ठीक है, मैं यहाँ पर लेट वाई इज इक्वल टू कुछ इस तरह से वाई का नाम दूं, इसको क्या करूं, इसको वाई का नाम दूं, इसको एक्स का नाम दूं। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक्स और वाई इस्तेमाल अगर करूँगा तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब एक काम करिए कि यहाँ से एक्स को हटा लीजिए, क्या करिए, एक्स को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, ठीक है ना, एक्स को यहाँ से हटा लीजिए। अब अगर ऐसा करूँगा मैं बी टी एन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, भाई साहब इवेंट लिसनर क्लिक वाई, वैसे आप लोग कहोगे कि यार पहले इवेंट लिसनर की स्पेलिंग गलत थी इसलिए काम ऐसा नहीं, इसलिए काम नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग चला के देख लेना, नहीं करेगा काम। अब यहाँ पर ये काम मैंने किया, अब मैं रिलोड करूँगा, अब आप देखना कि अगर मैं, ये कैसा मजाक है भाई साहब, ये कैसा मजाक है, कहीं एरर आ रहा है क्या कंसोल में। ओके यार वो ब्रैकेट मुझे हटाना नहीं था यार, वो ब्रैकेट तो इफ का था। ये गड़बड़ है बाबा। मैं रिलोड करूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पर वन लिखा, ओके किया, अब मैं क्लिक भी करूँगा तो हेलो वर्ड वन आया, हेलो वर्ड टू भी आया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। अगर ए इक्वल्स टू ओके टू होगा तब ऐसा होगा, अगर मैं यहाँ पर टू कर दूँ तब हेलो वर्ड वन नहीं आएगा। अब मैं क्लिक करूँगा, हेलो वर्ड वन आ गया, ऐसा क्यों हुआ, नहीं हेलो वर्ड टू नहीं आएगा, शायद मैंने वाई वाले को रिमूव कर दिया, तो मुझे एक्स वाले को रिमूव करना चाहिए था, सिर्फ तब सिर्फ हेलो वर्ड टू आता। अब मैं रिलोड करता हूँ फिर से, मान लो मैंने वन लिखा कर तो दोनों आएंगे, क्लिक मी किया हेलो वर्ड वन भी आएगा, हेलो वर्ड टू भी आएगा, लेकिन अगर मैंने एक मिनट इसको रिलोड करने के बाद टू लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड टू ही दिखेगा मुझे, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रिमूव इवेंट लिसनर काम तभी करता है जब आपका फंक्शन ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर ये पूरा फंक्शन ऐसे कॉपी करके लिख दूँ तो एक दूसरा फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये चीज़ काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको रिलोड करके अगर यहाँ दोबारा से टू कर दूँ और इसके बाद यहाँ क्लिक कर दूँ तो हेलो वर्ड वन के साथ साथ हेलो वर्ड टू दोनों दिखा रही है। तो ये चीज़ काम करने के लिए आप लोगों को सेम फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और बाकी सब कुछ सिंपल है। तो कभी भी आप लोग रिमूव इवेंट लिसनर लगा रहे हो तो फंक्शन पूरा इस तरह से मत देना, इस तरह से देना, एक रेफरेंस बनाना फंक्शन का, वही पास करना ऐड इवेंट लिस्टर में और उसी को रिमूव करने के लिए पास करना रिमूव इवेंट लिस्टर में, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ऐड इवेंट लिस्टर इज यूज टू असाइन मल्टीपल हैंडलर्स टू एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट के मल्टीपल हैंडलर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक इवेंट को यहाँ पर हैंडल किया, आप माउस ओवर, आप लोग बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सबको आप लोग देख सकते हो और उनमें से कोई भी इवेंट यूज़ कर सकते हो। ऐड इवेंट लिसनर क्या करेगा, ऐड कर देगा इवेंट को, मतलब हैंडलर चलेगा आपका जब भी ये इवेंट होगा, और रिमूव इवेंट लिसनर क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और नोट लिखा हुआ है मैंने, हैंडलर मस्ट बी द सेम फंक्शन ऑब्जेक्ट फॉर दिस टू वर्क, और मैंने समझा दिया आप लोगों को, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इतना सिंपल लिख दिया और समझाया नहीं, समझा भी दिया, देखो मैंने, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, होता क्या है कि जब भी हम ऑन क्लिक वाला फंक्शन रन करते हैं, जैसे कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम लोग ये रन कर रहे हैं। देखो इसने यहाँ पर फंक्शन, जब मैंने रैपलेट का ऑटो जनरेट लगाया तब रैपलेट ने यहाँ पर देखो ई एक खुद पास किया, ये ई क्या होता है, अब आप चाहो तो इसको ले लो, चाहो तो मत लो, मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से करोगे और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ और मैं यहाँ पर टू करता हूँ और मैं क्लिक मी करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर पॉइंटर इवेंट यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंटर इवेंट है। तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर कंसोल लॉक करके दिखाऊँ ई डॉट टारगेट, तब क्या चीज़ प्रिंट होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, यार ये प्रॉब्लम हटाऊँगा, थोड़ा सा अनोइंग हो रहा है, और मैं ये दोनों चीज़ें हटाऊंगा यहाँ से, सिर्फ ऐड क्लिक लिस्टर और मैं सिर्फ एक क्लिक लिस्टर ऐड करूँगा एक्स वाला, और बाकी अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो आप लोग यहाँ पर फोक करना एप्पल को और प्ले अराउंड करना, ठीक है। यहाँ पर वाई वाला जो है वो अभी नहीं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने ये हटा दिया, सिर्फ एक्स वाला है, याद रखना आप लोग। अभी मैं इसको रिलोड करूँ अगर और क्लिक करूँ तो हेलो वर्ड वन आ रहा है और यहाँ पर देखो
ई डॉट टारगेट आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पर ई डॉट टारगेट से क्या आया, जिस पर क्लिक किया मैंने, जिस बटन पर क्लिक किया वो आ गया ई डॉट टारगेट की जगह पर। तो ई डॉट टारगेट ये होता है। अब यहाँ पर मैं अलर्ट भी हटाऊंगा क्योंकि अलर्ट भी थोड़ा अनोइंग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ई करूँ तो मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि यार इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो मुझे तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्लाइंट टैग्स, क्लाइंट वाई, कंपोज, करंट टारगेट, देखो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, पाथ तक मुझे देखने को मिल रहा है। देख रहे हो आप लोग कहाँ से आया ये पूरा, इसका डॉक्यूमेंट से लेके यहाँ तक का पाथ। तो पाथ भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, और कई चीज़ें आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएंगी जो कि शायद आप लोग को मालूम नहीं होंगी पहले से, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएंगी इस सब को देखकर। जैसे कि टारगेट है, टारगेट क्या है, बटन है, ये बटन टारगेट है। फिर उसके बाद स्क्रीन है, स्क्रीन वाई, ये सारी प्रॉपर्टी को आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हो कि इसका क्या मतलब है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो कि किस तरह से या फिर कौन सी वाली वो प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग को यूज़ करना चाहिए एक सर्टेन काम करने के लिए। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया किस तरह से इवेंट हैंडलर्स काम करते हैं और ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है। ज़रा देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है नोट्स में। व्हेन एन इवेंट हैपेंस द ब्राउजर क्रिएट्स एन इवेंट ऑब्जेक्ट, पुट्स डिटेल्स इनटू इट एंड पासेस इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू द हैंडलर। सिंप्लीफाई करता हूँ इस चीज़ को। जब भी आपने यहाँ पर एल एम डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन इवेंट और इसके अंदर कुछ काम किया हुआ है तो क्या करेगा ब्राउजर, जैसे कोई क्लिक करेगा एक इवेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको फंक्शन को पास कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली अपने हैंडलर में इवेंट लिखो और ये इवेंट आपको अंदर मिल जाएगा फंक्शन के। अब यहाँ पर अगर मैं ये ई ना लिखूँ, अगर ये ई ना लिखूँ मैं और इसको भी कमेंट आउट कर दूँ, सिर्फ अलर्ट हेलो वर्ड कर दूँ इसको, तो ऐसा तो नहीं है कि ये चलेगा नहीं, ये बिल्कुल चलेगा, अलर्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कंसोल में कोई एरर आएगा, वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं, एरर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ई या फिर इवेंट या फिर अगर मैं हैरी भी रख दूँ ना इसका नाम तब भी चलेगा, ये अगर इवेंट भी रख दूँ ना तब भी चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी मुझे इवेंट लिखना पड़ेगा। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और नहीं आएगा यार एरर, कोई सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता कोई एरर आने का। आप देखो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया ये कि किस तरह से काम करता है। और मैंने यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख दी और आपको समझ में भी आएगी, ऐसी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा समझ में नहीं आएगी, समझ में भी आपको आएगी अगर आपने सुना है मेरे को देख ठीक से। तो इवेंट डॉट टाइप कि किस तरह का इवेंट है, ठीक है, इवेंट डॉट टाइप आप लोग करोगे, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर पॉइंटर इवेंट, ठीक है। फिर इसके बाद करंट टारगेट, किस एलिमेंट ने हैंडल किया इस इवेंट को, क्योंकि अगर आप किसी बॉक्स पे इवेंट लगा रहे हो तो अंदर के एलिमेंट्स पर भी इवेंट लग जाएगा, तो वो चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। क्लाइंट टेक्स्ट, क्लाइंट वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्सर, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को पता चलेगी। अब मान लो मैं क्लाइंट टेक्स्ट और क्लाइंट वाई को भी करता हूँ, इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स, इवेंट डॉट क्लाइंट वाई, और मैं अगर इसको अभी रिलोड करूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप लोग देखो क्लिक इवेंट टाइप है, फिर इसके बाद 43-24, थोड़ा सा इधर क्लिक करूँगा तो देखो 60-22, थोड़ा सा इधर क्लिक करूँगा देखो 49-22, क्लिक करता रहूँगा तो सेम चीज़ आ रही है 48-22। थोड़ा हिलाऊँगा कर्सर अपना, जहाँ पर मैंने क्लिक किया वो भी मुझे यहाँ पर इवेंट में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कहाँ पर यूज़र ने क्लिक किया तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। देखो मतलब कितना कंट्रोल आप लोग के हाथ में होता है जब आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हो, जब आप वेब प्रोग्रामिंग करते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तब सो अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना। दिस कॉन्क्लूड्स चैप्टर नंबर 8। मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 8 की जो PDF है वो मैंने दे रखी है यहाँ पर, इसमें मेरा अंगूठा भी फीचर हो रखा है तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये क्या है, अरे भाई अंगूठा है, हाथ पकड़ के खींची यार फोटो मैंने कॉपी पकड़ के। आई होप कि मज़ा आया यार, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी डिटेल में मैंने ब्रेक डाउन की चीज़ें, और मज़ा आता है यार पढ़ाने में भी, मज़ा आता है कि यार सारी चीज़ें एकदम एकत्रित हो गई। इतने अच्छे नोट्स मैंने शायद ही लिखे कभी जावास्क्रिप्ट के। मैंने जब सारी चीज़ों को एकत्रित, मुझे पता था कि क्या चीज़ कहाँ पर है, मुझे मेरे दिमाग में बहुत सारी रिसोर्सेस थी यार, ये चीज़ यहाँ अच्छी है, ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला ब्लॉग अच्छा है, एक स्टैक ओवरफ्लो आंसर मेरे दिमाग में था, वो मैंने सब कुछ एकत्रित करके एक जगह पर ला दिया है अभी। तो आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करना, प्लेलिस्ट को और पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस करना, क्योंकि यार पीडीएफ में बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत मेहनत पड़ी है, वीडियो रिकॉर्ड करने से ज़्यादा मेहनत लगती है नोट्स को लिखने में। तो इसको ज़रूर एक्सेस करें सब लोग। और आप लोग को बता दूं मैं कि codewithharry.com पर एक नोट्स का सेक्शन भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग जो है नोट्स देख सकते हैं। अगर आप PDF नोट्स पर क्लिक करेंगे तो सीधे बिना किसी ज़्यादा आपको परेशान किए एक PDF नोट सीधे आप लोग को मिल जाएगा, खोल के सीधे पढ़ो
आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर जो है असेंबल किए हुए हैं। एंड्रॉयड के नोट्स PDF सिंपल क्लिक करो और आप लोग को मिल जाएंगे ये सब एकदम डाउनलोड हो के सीधा आपके डाउनलोड्स सेक्शन में जाएंगे। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लोग जो है इसको मज़े करो, पढ़ो। बहुत बहुत मेहनत से लिखे हैं सारे नोट्स, बहुत टाइम दे के लिखे हुए हैं और बहुत टाइम दे के बहुत मेहनत डाल के लिखे हुए हैं। तो ये सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट कमिंग सून है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अभी वहाँ पर मैं सारे अपडेट कर रहा हूँ, ड्राइव लिंक है वो, तो वहाँ से आप उठा लेना। और जस्ट आपको बताना चाहता था मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लेना या क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।